भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। भारत के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 5 और 6 अप्रैल को भारत की यात्रा पर आएंगे। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने यह जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में कहा, 5 और 6 अप्रैल को विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की सरकारी यात्रा पर आएंगे। इस यात्रा के दौरान वो अपने भारतीय समकक्ष से वार्ता करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में भारत में विदेश सचिव ने रूस की यात्रा की थी। उस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई को भारत आने का न्योता दिया था। रूसी विदेश मंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक की तैयारियों के बारे में चर्चा होगी। भारत की यात्रा के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। भारत की इस यात्रा के दौरान रूसी विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वार्ता करेंगे। उनकी इस यात्रा का सबसे अहम मुद्दा भारत और रूस के बीच हुआ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दरअसल जब लॉयड भारत आए थे तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत समेत कोई भी देश रूस से मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर कोई भी समझौता करे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि भारत पर फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते क्योंकि भारत को इस सिस्टम की सप्लाई नहीं हुई। गौरतलब है कि अमेरिका ने इस सिस्टम की खरीद की वजह से तुर्की पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसका असर तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए हेलीकॉप्टर सौदे पर साफ तौर पर देखा गया है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे की वजह से अमेरिका ने तुर्की को अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को बेचने के लिए ये कहते हुए लाइसेंस नहीं दिया क्योंकि इसमें अमेरिका का इंजन और कलपुर्जे लगे हैं। लॉयड के दौरे से करीब 25 दिन बाद हो रही सर्गेई की यात्रा इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि बीते कुछ समय से अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका लगातार रूस पर शिकंजा कस रहा है। इस वजह से रूस को अपने खेमे में बड़े देशों के अलावा उन देशों की तलाश है जो उसके मजबूत और पुराने साथी रहे। भारत वर्षों से रूस का रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।